हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th के सोशल साइंस के मॉडल सेट का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ आपको पता ही है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी 100 में से अगर आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ये शुरू में जो 50 आप OMR शीट पे भर के आएंगे उसी का नंबर काउंट होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो आप शुरू के 50 सारे के सारे सही बना के आएँ, ठीक है? उसमें से 100 में से 50 चुन के जो जो सही हो उसी को कंफर्म बना के आएँ, ठीक है? चलिए देखते हैं, इसमें हम अपना शुरू करते हैं वीडियो। आपका सोशल साइंस का जो पहला सवाल है वो ये है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपको हिंद चीन में यानी इंडो चाइना जो है इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल नहीं है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन इसमें शामिल नहीं है। इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है, ठीक है? ये दक्षिण पूर्व एशिया जो होता है, कुछ क्षेत्र जो हैं उनको शामिल किया गया है इंडो चाइना में। और भी कुछ उप क्षेत्र लाया गया इसमें, जैसे कि बर्मा हो गया, ठीक है, बर्मा, थाईलैंड और सिंगापुर, इन सारे को भी इसमें हिंद चीन में शामिल किया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1815, 1818, 1820 या फिर 1848। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1815। वियना कांग्रेस जो हुआ था इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जब हारा था तो उसको सेंट हेलेना महाद्वीप पे भेज दिया गया, ठीक है? सेंट हेलेना पे भेज दिया गया, ठीक है? और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो यूरोपीय शक्ति थी जिन्होंने उस वक्त का वो जंग जीता था, वो इकट्ठी हुई, ठीक है? और उन्होंने एक ये बनाया कि कैसे हम इसको फिर से पुनर्स्थापित करें, और उसी के लिए ये एक वियना कांग्रेस किया गया था, ठीक है, जो 1815 में हुआ था। अगला सवाल, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल या फिर सोहन सिंह भाखना। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाला हरदयाल ने। ये कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था आपका 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 1913 में। ये अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए किया गया था, ठीक है, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए इसका गठन किया गया था। और कहाँ हुआ था इसका गठन पता है आपको? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था, ठीक है? अगला सवाल, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? तो आपके ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का उदय हुआ था जिसने आर्थिक दुष्प्रभावों को, इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए, ठीक है, काम किया। अगला सवाल, नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? आपके ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। तो पांचवा का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के, ठीक है। नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। ये 3 बार वहाँ के शासक रह चुके थे और लास्ट टाइम जो वो शासक रहे थे वो 2004 में थे, ठीक है। इनकी मौत हुई है, आपको ये मौत जो हुई है इनकी वो 2012 में हुई है, ठीक है, चीन में। अगला सवाल, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आपके ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, जेम्स वॉट, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर रॉबर्ट फुल्टन। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जेम्स वॉट ने वाष्प चालित इंजन यानी स्टीम इंजन का इस्तेमाल इन्वेंट किया था, खोजा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 या फिर 1923। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई, कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपकी जमशेदपुर, मतलब जमशेदपुर इसके बाद ही इसका नाम पड़ा था, झारखंड में। किसने किया था? तो जमशेद नौशेरवान, नौशेरवान जी टाटा ने, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की थी, तब इस उस जगह का नाम जमशेदपुर पड़ा था, ठीक है। अगला सवाल, गोलघर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, पटना, दिल्ली, गया। तो ये इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
पटना में है गोलघर। और गोलघर क्यों बनवाया गया था, कब बनवाया गया था, तो ये बना था आपका, ये एक बार 1770 ईस्वी में बहुत बड़ी भूखमरी आई थी, ठीक है ना, भूखमरी आई थी, तो उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने इसका एक अनाजों का भंडारण के लिए एक घर बनवाया जिसका नाम रखा गया गोलघर। और ये बना कब था, 1780 में, 1780 में गोलघर बना था, ठीक है। अगला सवाल, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, आपके ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, एफडी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन या फिर जॉन एफ कैनेडी। तो 9 का जो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एफडी रूजवेल्ट ने। अगला सवाल, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, आपके ऑप्शन है 1789, 1791, 1801 या फिर 1804। तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई वो लागू की गई थी आपको 1804 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्यों लागू की गई थी, क्या था नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने सारे अधिकार ख़त्म कर दिए हैं, जो भी विशेष अधिकार थे लोगों के वो अधिकार ख़त्म किए, कि मतलब, और ये चीज़ लागू कर दिया कि जो जितना योग्य होगा, योग्य जो होगा उसी को आगे जॉब मिलेगी, वही आगे सरकारी नौकरी कर पाएगा, ठीक है, वही था नेपोलियन संहिता। अगला सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, आपके ऑप्शन है 1864, 1866, 1817 फिर 1871। तो 11 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी, तो इसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो इसमें पर्सा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, ठीक है, कौन बना, जर्मनी, शक्तिशाली राष्ट्र बना जर्मनी। और लेकिन इस संधि से क्या हुआ, इस संधि में जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस का अपमान हो गया, ठीक है, उसका अपमान हुआ। और यहीं से समझिए कि आप प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत का एक ये न्यू भी माना जा सकता है, क्योंकि फ्रांस के यहाँ से अपमान हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आपके ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में, और कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मई 1818 को। ये यहूदी में पैदा हुए लेकिन इनके माँ बाप कुछ दिन बाद ईसाई धर्म कबूल कर लिए। कार्ल मार्क्स जो थे ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, ठीक है, समाजशास्त्री भी थे, ठीक है, इतिहासकार थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता, मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले भी थे, ठीक है। अगला सवाल, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, आपके ऑप्शन है WTO, गेट, नई आर्थिक नीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, नई आर्थिक नीति। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे WTO दिया है ना, तो इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अगला सवाल, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है, आपके ऑप्शन है मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या फिर वन। तो आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र आपका मत्स्य पालन होगा, खनन होगा, वन होगा, तो शामिल कौन नहीं है, तो आपका बैंकिंग, ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं आता है। अगला सवाल, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, आपके ऑप्शन है सीमेंट, चीनी, आयरन एंड स्टील और वस्त्र। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील, ठीक है। ये आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है, दुर्गापुर कोलकाता में है, भिलाई, भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और सलेम जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय का आश्रय है,
ठीक है, मतलब प्रतिव्यक्ति आय क्या बताता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या फिर सीमांत आय। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, पर हेड जो इनकम होगा वो किसके लिए होगा? राष्ट्र के लिए ही होगा, राष्ट्र के लिए वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आय। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या फिर 1955। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1952। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुत आसान सवाल, आपका ऑप्शन है रुपया, डॉलर, क्रोना या फिर टका। तो बांग्लादेश का जो है करेंसी जो है, मुद्रा जो है वो है टका, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि रुपया इंडिया का है, ठीक है, डॉलर यूएसए का है, ठीक है, और करोना जो है ये कहाँ का है? तो ये आपका स्वीडन का है, ठीक है, स्वीडन का है करोना। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय या फिर उत्पादन के साधनों की आय। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की आय। राष्ट्रीय आय मतलब सरकार की आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है 1968, 1986, 1984 या फिर 1976। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1986। इसमें भारत उपभोक्ता संरक्षण कानून में क्या हुआ कि उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को कुछ अधिकार मिले, जैसे कि चयन का अधिकार, वो सही चीज़ें चुन सकते हैं, सुनवाई का अधिकार, किसी बात के लिए सुनवाई मतलब उनकी बातें सुनी जाएं उसका अधिकार मिला, प्रतिशोध पाने का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या फिर इनमें से सभी। तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो लोन दिया जाता है वो होता है दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सोशल साइंस का पार्ट वन। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से पार्ट पार्ट करके बनाया जा रहा है। आगे की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।